हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल फिक चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से फिल्मोरा 12 में 4K वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर फिल्मोरा 12 को ओपन कर लेता हूं। यहां पर मैं आपको फिल्मोरा का जो वर्जन है वो भी चेक करवा देता हूँ कि मेरे पास फिल्मोरा 12 ही इंस्टॉल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12:0 और यहाँ पर मेरे पास वर्जन है। इसके बाद आपने जिस वीडियो को यहाँ पर 4K में रेंडर करना है आप उसे सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद आपने प्रीफ्रेंसेस को ओपन करना है। प्रीफ्रेंसेस को ओपन करने के बाद आपने परफॉर्मेंस में जाना है। परफॉर्मेंस में जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने सबसे पहले इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर वीडियोज़ रेंडरिंग एंड प्लेबैक, इसे इनेबल करना है। इसके बाद आपने इनेबल हार्डवेयर एक्सेलरेशन फॉर वीडियो डिकोडिंग को इनेबल करना है। यहाँ से अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप थोड़ा सा पुराना है या थोड़ा कमज़ोर है तो आप यहाँ से इसे भी इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेटिंग है आपने बिल्कुल इसी तरह तमाम सेटिंग को करना है। इसके बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ से ओके करेंगे दोबारा आपने ओके करना है। इसके बाद जो प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पर टाइमलाइन पर लेके आएँ। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप इसको 4K में लेकर आना चाहते हैं या नॉर्मल रेजोल्यूशन में। यहाँ पर हम इसे 4K में लेकर आना चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ से 4K रेजोल्यूशन जो है हम इसे सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो ये टाइमलाइन पर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इसकी सेटिंग वगैरह करने के बाद जो भी आपने इसमें एडिटिंग करनी है, इसके बाद आपने यहाँ से एक्सपोर्ट पे जाना है। जैसे ही यहाँ पर एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने क्रिएट वीडियो पर क्लिक करना है। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके वीडियो का नेम कराया जाएगा। चलें छोड़िए इसको। आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रेजोल्यूशन जो है वो हमारे सामने 4K सेलेक्ट है, क्योंकि हमने इसकी सेटिंग परफॉर्मेंस में जाकर पहले ही कर दी थी। नहीं तो आप नहीं आ रहा तो आप यहाँ से वैसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेम रेट को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो बिट रेट है इसे आपने 40 से अबव ही रखना है। अगर यहाँ से आप इसे कम करेंगे तो ये खुद ही आपको कह देगा कि इसकी क्वालिटी है वो ख़राब हो सकती है। आपने जैसे कि आप देख सकते हैं 30 पर रखी है तो फिर भी यही मसला आ रहा है, लेकिन आपने इसे 40 से अबव ही रखनी है। मैं यहाँ से 80 रख देता हूँ। आप 40 या 80 दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद आप लो क्वालिटी रिकमेंडेड या हायर पर करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि 4K क्वालिटी में हमने इसे रेंडर करना है। तो इसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे ही आप एक्सपोर्ट करेंगे तो इसकी जो वीडियो होगी 4K क्वालिटी में रेंडर होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो यहाँ पर रेंडर हो रही है। वीडियो जो है रेंडर हो चुकी है। आप यहाँ से इसे क्लोज़ करें, यहाँ से फिल्मोरा का मिनिमाइज़ करें। यहाँ से मैं वीडियो को प्ले करके भी चेक कर लेता हूँ कि वीडियो हमारे जो है वो ठीक एक्सपोर्ट हुई है। इसके बाद आप यहाँ से वीडियो को क्लोज़ कर दें। मैं यहाँ से आपको 4K रेजोल्यूशन इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाकर चेक करवा देता हूँ। यहाँ से डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो 4K रेजोल्यूशन में हमारे सामने आ चुकी है। तो आप इस तरह से फिल्मोरा 12 में ये सेटिंग करके अपनी वीडियो को 4K रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।